हैं एक और अहम खबर की। तो इस वक्त की अहम खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व कप के फाइनल मैच को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कल दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि कल कई वीवीआईपी डेलीगेट्स पहुंचेंगे क्रिकेट देखने के लिए। इससे पहले मैच मुंबई में खेला गया था और कोलकाता में मैच खेला गया, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती अहमदाबाद में की गई है। फाइनल मुकाबला भारत मेजबानी कर रहा है इस बार विश्व कप की। अलग अलग जगहों पर मैच हुए, अब ये आखिरी पड़ाव है विश्व कप का। कल साफ हो जाएगा कि कौन विश्व विजेता है 2023 विश्व कप क्रिकेट का। तो ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो तस्वीर आप देख रहे हैं, स्निफर डॉग यहाँ पर है, सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। विश्व कप के फाइनल मैच को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, विश्व कप के फाइनल मैच को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच होना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है अहमदाबाद के। विश्व कप के फाइनल मैच को देखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो जगह जगह हवन पूजन हो रहे हैं। वीवीआईपी वीआईपी गेस्ट जो है वो मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव इस दौरान मौजूद रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे मैच देखने के लिए। और भी कई जो विदेशी मेहमान हैं वो मैच देखने के लिए पहुंच सकते हैं क्योंकि 4 साल में ये एक बार होते हैं मैच। और विश्व विजेता इस बार कौन बनेगा, सभी के जहन में जो है अभी से ये सवाल है। और कल के मैच को लेकर हर भारतीय फैन चाहेगा कि इंडिया विश्व कप इस बार जीते। और बिल्कुल उम्मीद भी है कि इस बार इंडिया विश्व कप जीतेगी। इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच जो है जो नहीं हारी है इंडिया। और कल ये फाइनल मुकाबला होना है। एक कदम दूर है बस हम विश्व कप से। क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। दीपक, फाइनल मुकाबला होना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में आमने सामने भिड़ती हुई नजर आएंगी। आपकी भी दिल की धड़कनें तेज होंगी कि कौन मैच जीतेगा और ट्रॉफी किसके सर? बिल्कुल, दोनों टीमों के बीच में बड़ा ही जबरदस्त मैच होने वाला है और खेल प्रेमी बहुत ही उत्साहित हैं इस मैच को लेकर। और कल धूमधाम से ये मैच का जश्न मनाया जा सकता है और भारतीय टीम जरूर कल का मैच जीतना चाहेगी और बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। कल का मुकाबला सब खिलाड़ियों के लिए और सब खेल प्रेमियों के लिए बड़ा ही रोमांचक रहने वाला है। तो कल भारतीय खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसे कि सबकी दुआएं मिल रही है पूरे भारतवर्ष में। सभी कोई देखिए जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं और कहीं ना कहीं जाप हो रहा है। तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये जो दुआएं हैं कहीं ना कहीं कल रंग लाएंगी और भारतीय टीम जरूर विश्व चैंपियन बनना चाहेगी। बिल्कुल दीपक, देखिए आप खुद भी कोच हैं और सबसे अहम बात यह है कि आप खेलना भी सिखाते हैं कोच होने के नाते, और क्रिकेट से आप काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो आप भी कई क्रिकेटरों के साथ बैठते होंगे, क्रिकेट प्रेमियों के साथ बैठते होंगे, उनके मन में क्या चल रहा है अभी, क्योंकि हम बस विश्व कप के लिए एक कदम ही दूर हैं। बिल्कुल, सबके मन में एक ही बात है कि कल भारतीय टीम विश्व कप जीतेगी और कल भारतीय टीम जरूर उम्मीदों पर उतरेगी और सभी खेल प्रेमी हैं जितने भी हैं उनको निराश नहीं करेगी और कल विश्व चैंपियन बनकर सबके हौसले बुलंद करेगी। तो कल जरूर जश्न हिंदुस्तान हो सकता है पूरे भारत में। और कहते हैं कि कल पूरे देश में
एक जैसे कि सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर, पॉलिटिशियन, कल पूरे ग्राउंड में, पूरे स्टेडियम में बिल्कुल कल वो भी दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां स्टेडियम में दिखाई देंगी, क्योंकि खेल जो है धर्म से भी बढ़कर है, और खेल को इतना, इस क्रिकेट जैसे खेल को बहुत पूजा जाता है, और पूरे विश्व में खेल प्रेमी इसको बहुत चाहते हैं और कल के लिए बहुत ही उत्साहित है। बिल्कुल, और ये किसी जश्न से कम नहीं है दीपक, कहीं ना कहीं 4 साल में एक बार और 2003 का बदला लेने का ये मौका होगा। 2 बार भारत विश्व कप जीत चुकी है, ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीती है, तो कोशिश यही होगा होगी कि हम तीसरा विश्व कप अब जीतें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बातचीत करने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो वाकई मैच काफी रोमांचक रहेगा, दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंची हैं और डिजर्विंग टीमें हैं, टफ मुकाबला देखने को मिलेगा, कड़ी टक्कर ऑस्ट्रेलिया भी दे सकती है। हालांकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर, रोहित शर्मा ने ये साफ कह दिया है कि किसी तरह के दबाव में ये मैच नहीं खेला जाएगा, कोई मैसेज नहीं देना है, जिस तरह से हम जिस फ्लो में मैच खेलते आए उसी फ्लो में हम अपना मैच खेलते रहेंगे। तो भारतीय टीम आश्वस्त है, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा था कि ट्रॉफी उठाने के लिए उत्सुक हैं।